गाइस सबसे पहले जो है ना ये 1v4 चेक करो, जिसमें जो है ना विदाउट लूजिंग 1 HP तुम्हारे भाई ने क्लच किया है। Assalamualaikum, what's up guys, welcome back to a new video। आ चुका है तुम्हारा भाई एक और न्यू तो भाई वीडियो के साथ। तो गाइज इंट्रो तो चेक कर ही लिया होगा, आज की वीडियो जो है ना काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी हैवी सी फाइट्स एंड क्लचेस देखने को मिलने वाली हैं। तो जल्दी से जो है ना अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना आपसे एक छोटी सी ना रिक्वेस्ट है, अगर जो भाई चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारे से हाथों से जो है ना वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना। तो गाइस सीधे चलते अपने इस फाइट की जानिब। यहाँ पे सीन कुछ इस तरह था कि मेरे सामने यहाँ पे मैं उतरा होता हूँ और मेरे सामने जो है ना पूरी स्क्वाड होती है, हैवी सा सीन होने वाला है। गाइस जैसे यहाँ पे जो है ना मैं बैठा होता हूँ तो अचानक से जो है ना एक बंदा रिकॉल होकर मेरे मुंह पर उतर जाता है और यहाँ पे उस बंदे को नॉक देता हूँ, तो उस भाई का रिएक्शन तो आपने चेक कर ही लिया होगा। सीधा ही चलते हैं अपने आगे, जो पूरी स्क्वाड है उसे फिनिश देते हैं। गाइस यहाँ पे जो है इस बंदे को काफी डैमेज दे देता हूँ मैं और अभी जो है ना इन्हें फिनिश मारते हैं। गाइस यहाँ पे जो है ना मुझे चारों तरफ से फुटस्टेप वगैरह आ रहे होते हैं और जिस बंदे को मैंने काफी डैमेज दिया था वो भी आगे अपनी स्क्वाड के पास पहुंच जाता है, तो सीधा ही उन पर मैं पुश दे देता हूँ। गाइस यहाँ पे जो है ना मुझे कहीं दूर से जो है ना काफी डैमेज पड़ जाता है। गाइस यहाँ पे जो ना एक बंदा दूर से तंग कर रहा था तो उसका व्यू ब्लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ, सीधा ही उन बंदे पे पुश कर देता हूँ। गाइस यहाँ पे जो ना ये होते हैं सिर्फ 3 बंदे, तो यहाँ पे तुम्हारे भाई का क्लच जो होता है डन, इन्हें फिनिश देने के बाद इनमें से एक बंदा जो है ना दोबारा रिकॉल होके आने वाला है, तो उससे दोबारा से फाइट होने वाली है, तो देखते हैं। गाइस यहाँ पे जो ना इन्हें फिनिश करने के बाद तुम्हारे भाई जो है थोड़ी बहुत लूट जैसे ही करता है तो इनका एक बंदा जो है ना मुझसे रिवेंज लेने के लिए आ जाता है, तो उसके साथ मेरी जो है ना फाइट होती है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना ये बंदा मुझे शूटगन से फिनिश कर जाता है, तो शूटगन आई हेट रियली शूटगन, तो अभी जो है ना दोबारा से मैं भी यहाँ कर आ कर जाना इसे रिवेंज लेने वाला हूँ। पब्लिक यहाँ पे हो जाता है अपना रिवेंज डन, सीधे चलते हैं अपने अगले क्लच की जानिब। गाइस यहाँ पे जो ना कुछ इस तरह का सीन होता है कि जैसे कि तुम्हारा भाई बाइक लेके जा रहा होता है तो मेरे सामने गाड़ी आती है जिसमें 3 बंदे थे, इन पे जो है ना तुम्हारा भाई क्लच करने वाला है, बस आपने इंजॉय करना है। गाइस यहाँ पे जो ना एक बंदे को मैं गाड़ी से उतार देता हूँ, बाकी 2 जो बंदे होते हैं वो काफी उनकी डैमेज लो होती है, तो हील करके वो दोबारा मुझ पे रश करने वाले हैं, तो तुम्हारा भाई देखो किस तरह इन्हें मारता है। गाइस यहाँ पे जो है ना मैं दूसरे बंदे को भी कर देता हूँ नॉक, बाकी जो है ना तीसरा बंदा वहीं जो है ना कैम करके बैठ जाते हैं और वहां पे रिवाइव दे रहा होता है, तो सीधा इन पे जो है ना मैं पुश कर देता हूँ। गाइस यहाँ पे जो है इस स्क्वाड को भी वाइप कर देते हैं, अब यहाँ पे जो है ना लैंडिंग करते ही मेरे साथ जो है ना पूरी स्क्वाड उतर जाती है और इन पर जो है ना तुम्हारे भाई 1v4 करने वाला है, जरा एंजॉय करो। गाइस यहाँ पे जो है ना 2 बंदों को मैं लगे आते फिनिश दे देता हूँ, बाकी 2 बंदे यहीं पर थे। गाइस यहाँ पे जो है ना तुम्हारे भाई के साथ थोड़ा गलत सीन हो जाता है, मैं क्राउच करने लगा था लेकिन प्रोन हो जाता हूँ, यहाँ पे जो है ना ये मुझे मार देता है, लेकिन रिवेंज जो है ना रिवेंज लेके तुम्हारे भाई क्लच डन करने वाला है। यहाँ पे जो है ना रिकॉल होके सीधे तुम्हारा भाई वहीं पर लैंड कर जाता है और यहाँ पे जरा रिवेंज चेक करो।
गाइस यहाँ पे जो है ना अपना रिवेंज भी हो जाता है डन। बाकी जो है ना लास्ट एनिमी होता है वो साथ में जो है ना कैम करके बैठा होता है, सीधा ही उसे मारते हैं। गाइस यहाँ पे जो है ना लास्ट बंदे की तलाश में मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन यहाँ एक बंदा रिकॉल होकर आता है, इसे मारते हैं। तो इनका जो लास्ट एनिमी होता है वो मुझ पर पुश कर देता है, तो उसे फिनिश करते हैं। गाइस यहाँ पे जो है ना तुम्हारे भाई का क्लच डन हो जाता है, सीधे चलते हैं अपने अगली फाइट की जाने। गाइस यहाँ पे जो ना कुछ इस तरह का सीन है कि प्लेन पे आप नेम देख सकते हो, हबीबी नेम का जो बंदा है ना इसकी पूरी स्क्वाड पर तुम्हारा भाई 1v4 करने वाला है। तो ये इवेंट पर उतरने वाले हैं, तुम्हारा भाई भी सीधा इवेंट पर लैंड करता है, तो हमारे जो है ना इनके साथ फाइट जो होती है ना जरा वो इंजॉय करो, काफी हैवी सा सीन होता है। गाइस यहाँ पे जो है ना इस प्लेन वाली स्क्वाड के दो बंदों को मैं नॉक कर देता हूँ, जिसमें से जिसका प्लेन था उसे भी नॉक कर देता हूँ, बाकी इनके रह गए थे दो बंदे तो उन्हें भी मारते हैं। गाइस यहाँ पे जो है ना जैसे मैं इनकी स्क्वाड के ना तीन बंदों को नॉक कर देता हूँ, जो इनका चौथा बंदा होता है वो डर के मारे अगली बिल्डिंग में बैठ जाता है, तो उसे जो है ना मैं इजीली मार देता हूँ। गाइस वो जो है ना सामने टीवी पे लेकर खड़ा होता है, तो यहाँ पे जो है ना उसे मैं ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बच जाता है, सीधे उसमें मैं पुश करने की सोचता हूँ लेकिन ऊपर जाता हूँ तो वो सामने जो है ना नजर आ जाता है मुझे, तो इजी जो है ना उसे मैं नॉक दे देता हूँ। यहाँ पे जो है ना तुम्हारे भाई का ये क्लच भी हो जाता है डन। अगर अभी तक भी आपने यार लाइक नहीं किया वीडियो को तो क्या करो, अपने प्यारे से हाथों से जो है ना लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई काफी मेहनत करता है लेकिन सपोर्ट फिर भी नहीं मिलती। तो गाइस अगर आपको पता चल जाए ना हम कितनी मेहनत करते हैं तो आप जो है ना लाजमी से लाइक और सब्सक्राइब करके जाओगे। अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास हो अपने भाई के लिए तो जल्दी से जो है ना लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से जो है ना अपने भाई के 10K की फैमिली कंप्लीट करवा दो। गाइस यहां पे जो है ना अगली फाइट भी इवेंट पर निकल कर आने वाली है, यहां पर जो है ना मेरे सामने पूरी स्क्वाड होती है और ये जो है ना भगा भगा के मतलब इनके साथ फाइट लेते हैं, तो जरा ये फाइट जो है ना आपने एंजॉय करनी है बस। गाइस यहां पे जो है ना इस फाइट को मैं थोड़ा कट करके पेश करूंगा क्योंकि इस स्क्वाड के साथ ऑलमोस्ट मेरी 4 से 5 मिनट जो है ना फाइट चलती है, तो समझ रहे हो फिर वो वीडियो जो है ना बहुत ही बोरिंग सी हो जाती है, तो बस ऐसे ही एंजॉय करो। गाइस यहाँ पे जो है ना एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, बाकी उनके तीन बंदे जो होते हैं ना वो नीचे होते हैं, ऊपर आने का नाम ही नहीं लेते, तो मैं नीचे चला जाता हूँ। गाइस यहाँ पे जो है ना ये चारों बंदे काफी अच्छा खेल रहे होते हैं और इनके साथ जो है ना ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट हमारी फाइट चलती है। मैंने फाइट जो है ना थोड़ी कट कर करके मतलब वो अपलोड की है, तो यहाँ पे जो है ना तीन बंदों को तुम्हारा भाई नॉक कर देता है लेकिन लास्ट एनिमी जो है ना तुम्हारे भाई को फिनिश कर जाता है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा क्लच भी मिस हो जाता है। कोई नहीं, चलते हैं अपनी अगली फाइट की जानिब। गाइस यहाँ पे जो है ना काफी दिनों के बाद तुम्हारे भाई की अरबी लोबी लग जाती है और यहाँ पे जो है ना ये मैक्स वाले अरबी तो आप चेक कर रहे होंगे, तो इनके साथ जो है ना तुम्हारे भाई की फाइट होती है, मेरा क्लच तो इन पे मिस हो जाता है लेकिन ये अरबी जबान में जो है ना पाकिस्तानी कुछ कह रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया, अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो इनसे जो फाइट होने वाली है जरा एंजॉय करो।
हल्ले के सुनने वन हो दस दस गाइस अगर किसी को समझ लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या कह रहे थे। अभी जो है ना वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो बढ़ते हैं अपनी इस लास्ट फाइट की जानिब। और यहाँ पे जो है ना मैं अपनी डिवाइस का लैग दिखाता हूँ कि लैग में हम कितनी स्ट्रगल करते हैं और हमें फिर भी स्पोर्ट नहीं मिलती। तो ये फाइट इंजॉय किए बगैर मत जाना। जहाँ पे भी एक पूरी स्क्वाड बैठी होती है एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ सीधा इन पर पुश करते हैं। गाइस आपने लैग तो चेक किया होगा, मेरी डिवाइस की स्टोरेज जो है ना फुल हो गई थी जिसकी वजह से ना FPS बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो रहे थे और यहाँ पे जो है ना ये फाइट भी मिस हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम काफी मेहनत करते हैं। बाकी गाइस 1v1 करना एक अलग बात होती है लेकिन एक स्क्वाड पर जो है ना पुश करके क्लचेस वगैरह करना एक ईजी नहीं होता हमारे लिए, तो हम काफी स्ट्रगल करते हैं। तो इसीलिए जो है ना हमें तुम्हारे जो है ना थोड़ी सी मोटिवेशन की थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर अभी तक आप इस वीडियो पर हो तो यार दिल से आपका शुक्रिया, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जो है ना अपने भाई के मेरे जो है ना थोड़ी बहुत तो यार सपोर्ट दिखाई दो। काफी अरसा हो गया मेहनत करते हुए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी से अच्छी आने वाली है। तो आज की वीडियो को है ना यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।